प्यारे बच्चों, मैं गया प्रसाद त्यागी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, श्री काशी प्रसाद एंटरप्राइज खरेला, आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 12 के छात्रों के लिए अगले चैप्टर के रूप में मांग की लोच ये आपके सामने प्रस्तुत है। मांग की लोच, इसके पहले आप लोगों ने जो वीडियो डाला गया था मांग का नियम, माननीय श्री धनीराम वर्मा जी के द्वारा वो पढ़ा आपने। अब मैं बताने जा रहा हूँ मांग की लोच। मांग के नियम में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। यानी कीमत और मांग का विपरीत संबंध होता है। कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है। मांग की लोच में भी यही नियम है, कीमत और मांग का ही संबंध है। फर्क इतना है कि उस समय आप लोगों को ये पता चलता था कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कीमत के कितना बढ़ने पर और मांग कितनी घटती है, उसके संबंध का पता चलेगा आपको। आनुपातिक संबंध की जानकारी होगी, कितने परसेंट कीमत बढ़ी तो कितने परसेंट उसकी मांग घटेगी। इस प्रकार का संबंध, जो संबंध के बारे में जो जानकारी देता है वो है मांग की लोच, उसको कहते हैं मांग की लोच। आप बखूबी समझ गए होंगे शायद, मांग का नियम केवल गुणात्मक कथन है जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, परंतु परिवर्तन की दर नहीं बताता। अर्थात कीमत के बढ़ने या घटने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी मांग की लोच देती है। इसी को हम मांग की लोच कहते हैं।